हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। क्लास फिफ्थ न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स बाय आरएस अग्रवाल से चैप्टर सिक्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिवीजन मेथड का यूज करते हुए एचसीएफ फाइंड किया था, बट वहाँ पर क्या था, क्वेश्चन में केवल टू ही नंबर्स दिए थे, यहाँ पर थ्री नंबर्स दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, थ्री नंबर्स दिए हों और एचसीएफ फाइंड करना हो डिवीजन मेथड से तो कैसे करेंगे। तो ए में दिया है 1696 एंड 150। तो जब थ्री नंबर्स दिए हों या उससे ज़्यादा नंबर्स दिए हों और एचसीएफ फाइंड करना हो बाय डिवीजन मेथड, तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी टू नंबर्स को हम ले लेते हैं पहले। आप कोई भी टू नंबर्स ले सकते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड, ये टू नंबर्स ले लिए, इनका एचसीएफ फाइंड किया डिवीजन मेथड से। फिर जो एचसीएफ आएगा वो नंबर और जो बचे हुए नंबर, जैसे एक नंबर बचा हुआ है, तो एचसीएफ और बचे हुए नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो जो सेकेंड टाइम पे एचसीएफ मिलेगा वही क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ स्टार्टिंग में टू नंबर लेते हैं, 60 एंड 90। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, 60, और ग्रेटर है 96। तो 60 से डिवाइड करते हैं 96 को और एचसीएफ फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 96। तो चलिए 60 से डिवाइड करते हैं 96 को, 60 बन जा 60। अब 96 में 60 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 36। अब क्या करेंगे, इस 36 से डिवाइड करेंगे 60 को, जो प्रीवियस डिवाइजर है वो बन जाएगा डिविडेंड, यानी 36 से 60 को डिवाइड करते हैं। तो 36 बन जा 36, टू टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 60 से। अब 60 में 36 सबट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, 24 आया है। तो ये 24 क्या करेगा, अब ये डिवाइड करेगा प्रीवियस डिवाइजर यानी 36 को। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो 24 से डिवाइड करते हैं 36 को, तो ये वन टाइम ही जाएगा। और 36 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 12। अब ये 12 क्या करेगा, प्रीवियस डिवाइजर यानी 24 को डिवाइड करेंगे इस 12 से, 12 2 24, और यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया। उस समय डिवाइजर क्या था, 12 था। तो 12 क्या होगा, एचसीएफ होगा किसका, 60 एंड 96 का। ये लिख लेते हैं, पहला एचसीएफ तो हमें मिल गया पहले दो नंबर्स का। देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 96 इज 12। लेकिन हमें तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना था। तो फर्स्ट टू नंबर का एचसीएफ 12 आ गया है, तो अब इस एचसीएफ 12 और 150 जो लास्ट नंबर बचा, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे और जो एचसीएफ मिलेगा वही क्या होगा, फाइनल एचसीएफ होगा, यानी तीनों का एचसीएफ कहलाएगा। तो आइए अब इस 12 और 150 का एचसीएफ फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 150। 12 क्या है, फर्स्ट टू नंबर्स का एचसीएफ जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और 150 क्या है, जो लास्ट में एक नंबर बचा हुआ है उसका। तो इन दोनों को जो एचसीएफ आएगा वही क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो डिवीजन मेथड में हम देखते हैं, स्मॉलर नंबर क्या है, 12 है, ग्रेटर नंबर क्या है, 150। तो 12 से डिवाइड करते हैं 150 को, 12 बन जा 12, 15 में 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा, ऊपर से एक जीरो आएगा, तो ये 30 हो गया। अब ये 30 रिमाइंडर है, यानी अब ये तो यहाँ पे जीरो आ गया, 30 बन गया। अभी 30 ग्रेटर देन 12 है, तो 12 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 12 2 जा 24, 30 में 24 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 आएगा। अब 6 रिमाइंडर है, ये स्मॉलर है 12 से, तो अब 12 क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा डिविडेंड। तो 6 से 12 को डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12, अब रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो उस समय डिवाइजर क्या था, 6 था, तो 6 क्या होगा, 12 एंड 150 का एचसीएफ होगा। इसे लिख लेते हैं, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 150 इज 6। तो जो पहली कंडीशन में एचसीएफ आया था और 150 जो लास्ट नंबर था, इनका एचसीएफ 6 आया है, तो ये जो फाइनल, तो ये जो एचसीएफ आया यही क्या होगा, इन तीनों का ही एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हैंस द एचसीएफ ऑफ 60 एंड 96 एंड 150 इज 6। आइए देखते हैं इसका बी। तो बी में नंबर्स दिए हैं 75, 100 एंड 140।
तो फर्स्ट टू नंबर को पहले ले लेते हैं, इनका SCF फाइंड कर लेते हैं, फिर जो SCF आएगा उसका और 140 का SCF फाइंड करेंगे, वही क्या होगा फाइनल SCF। तो 75 और 100 में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर है 75, तो 75 से डिवाइड करते हैं 100 को, 75 बन जा 75, 100 में 75 अब सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 25। अब 25 क्या है, स्मॉलर है इस डिवाइजर से, तो अब 75 बन जाएगा डिविडेंड, यानी 25 से डिवाइड करेंगे 75 को। अब 25 थ्री जा 75, रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर, 75 में 75 जाएगा तो जीरो आएगा, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। उस समय डिवाइजर क्या था, 25 था, तो 25 ही क्या होगा SCF होगा किसका, 75 एंड 100 का, इसको लिख लेते हैं। Therefore, the SCF of 75 and 100 is 25. अब इन दोनों का SCF तो आ गया 25. अब इस 25 और जो लास्ट में जो नंबर बचा है 140, इनका SCF फाइंड करेंगे और वही क्या होगा, इन तीनों का SCF हो जाएगा। तो आइए अब 25 और 140 का SCF फाइंड करते हैं। 25 क्या है, फर्स्ट टू नंबर का SCF है। अब इस 140 को 25 से डिवाइड करते हैं, तो 25 5 जा 125। अब 140 में 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 15। अब 15 इज लेस देन 25, 25 क्या हो जाएगा, बन जाएगा डिवाइजर। अब 25 तो 15 की वैल्यू आ, तो यहाँ तो रिमाइंडर क्या है 15, 15 इज लेस देन 25, तो 25 क्या बन जाएगा डिविडेंड और 15 क्या बन जाएगा डिवाइजर, यानी 15 से डिवाइड करेंगे इस 25 को, तो 15 1 जा 15, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 1 टाइम ही होगा, 15 1 जा 15। 25 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आएगा। अब प्रीवियस डिवाइजर क्या था 15, अब इस 10 से 15 को डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, 15 में 10 जब जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 5। अब प्रीवियस डिवाइजर जो 10 था ये बन जाएगा डिविडेंड, यानी इस 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया, दैट मीन्स जो डिवाइजर था 5 यही क्या होगा SCF होगा 25 और 140 का, और यही फाइनली इन तीनों का SCF कहलाएगा। तो पहले हम लिखते हैं कि ये 25 और 140 का SCF है, therefore the SCF of 25 and 140 is 5, तो यही क्या होगा इन तीनों का SCF होगा, hence the SCF of 75, 100 and 140 is 5। आइए देखते हैं सी, सी में नंबर्स दिए हैं 270, 945 एंड 2175। तो पहले फर्स्ट टू नंबर्स का SCF फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड, तो 270, 945 में 270 स्मॉलर है इसलिए इससे डिवाइड करेंगे 945 को, तो जब 270 से डिवाइड करेंगे 945 को तो ये 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आएगी 810। अब 945 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 810 को तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 135। अब 135 लेस है 270 से, तो इस 135 को डिवाइजर बनाएंगे और ये 135 क्या करेगा 270 को डिवाइड करेगा, 135 2 जा 270 आ गया यहाँ पर। अब 270 में 270 सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो आएगा, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। उस केस में डिवाइजर क्या था 135, दैट मीन्स 275 एंड 945 का SCF क्या होगा 135, इसे लिख लेते हैं। देयरफॉर द SCF ऑफ 270 एंड 945 इज 135। अब ये जो पहला SCF आया है 135 और जो बचा हुआ नंबर है 2175, इनका SCF फाइंड करेंगे और जो SCF उस समय आएगा वही क्या होगा उन तीनों का SCF होगा। तो आइए SCF फाइंड करते हैं 135 एंड 2175 का। अब 135 स्मॉलर है और ग्रेटर क्या है 2175, तो 135 से डिवाइड करेंगे 2175 को, तो ये 135 1 जा 135, 2 टाइम्स करेंगे तो 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 1 टाइम ही करते हैं, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 82। ऊपर कोई डिजिट है क्या डिविडेंड में, हाँ 5 है, तो 5 भी नीचे आ गया। अब 135 825 को डिवाइड कर पाएगा, तो 135 6 जा 810। अब 825 में
810 सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 आएगा। अब ये 15 रिमाइंडर बचा, ये लेस देन 135, तो 15 क्या करेगा, इस 135 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर 15 नाइनजा 135, तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब है उस समय जो डिवाइजर था यानी 15 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा किसका, 135 एंड 2175 का। और इनका एचसीएफ ही क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। लिख लेते हैं इसे, देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 2175 इज 15, और यही क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। हेंस द एचसीएफ ऑफ 270 945 एंड 2175 इज 15। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट यानी डी, और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट होगा। तो डी में दिया हुआ है 902, 1394 एंड 3321। इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो थ्री नंबर्स हैं, तो पहले फर्स्ट टू नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। स्मॉलर है 902, ग्रेटर है 1394। तो इस 902 से डिवाइड करेंगे इस 1394 को, और तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और जब जीरो आ जाएगा तो उस समय जो डिवाइजर होगा वही कहलाएगा एचसीएफ। तो आइए 902 एंड 1394 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब 902 को से डिवाइड करते हैं, तो 902 बन जा 902। अब 1394 में सबट्रैक्ट करेंगे 902 को, तो 492 आएगा। अब ये 492 लेस देन 902 है, तो 492 से अब डिवाइड करेंगे इस 902 को, तो ये वन टाइम ही जाएगा। 492 बन जाए 492। अब 902 में 492 को सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 410। अब ये 410 क्या करेगा, इस 492 को डिवाइड करेगा, तो 410 बन जाए 410। और 492 में जब 410 को सबट्रैक्ट किया जाएगा तो 82 बचेगा। तो 82 क्या करेगा, 82 इस प्रीवियस डिवाइजर यानी 410 को डिवाइड करेगा। अब 82 फाइव जा 410 आ गया। 410 में 410 सबट्रैक्ट होगा तो जीरो आएगा, तो रिमाइंडर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप होता है। उस केस में डिवाइजर क्या था, लास्ट डिवाइजर 82 था, तो 82 क्या होगा, 902 और 1394 का एचसीएफ। आप क्या करेंगे, इन दो नंबर्स का स्टार्टिंग दो नंबर्स का एचसीएफ 82 आ गया है। अब इस 82 और जो बचा हुआ नंबर है 3321, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे और वही क्या होगा, फाइनल एचसीएफ होगा। नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 82 एंड 3321, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। स्मॉलर नंबर 82 है, ग्रेटर नंबर 3321 है, तो इस 82 से डिवाइड करेंगे 3321 को। 82 फोर जा 328। अब 332 में सबट्रैक्ट करेंगे 328 को, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब डिविडेंड में डिजिट बाकी है तो ये ऊपर से नीचे आएगा, तो ये 41 बनेगा। तो 41 भी अभी लेस देन 82 है, तो अब क्या करेंगे, इस 41 से इस 82 को डिवाइड करेंगे। 41 टू जा 82, रिमाइंडर क्या आया, जीरो। तो इस केस में रिमाइंडर जीरो आ गया है और यहाँ पर डिवाइजर था 41, तो यही क्या होगा, एचसीएफ होगा इन दोनों का, 82 एंड 3321 का। और इन दोनों का एचसीएफ ही क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ, तो यही 902, 1394 एंड 3321 का भी एचसीएफ होगा। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 82 एंड 3321 इज 41। हेंस द एचसीएफ ऑफ जो थ्री नंबर्स दिए हुए थे 902, 1394 एंड 3321 इज 41। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 19 भी कंप्लीट होती है। तो जो पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।